डिजाइन में फर्स्ट पॉइंट है सिडान। सो सिडान में देखते हैं हम क्या है। अभी सिडान मतलब क्या है, जो जनरल आपने व्हीकल देखे होंगे लाइक मारुति डिजायर रहेगी या वेरना रहेगी या होंडा सिटी, जिसके कंस्ट्रक्शन में तीन मेन पार्ट रहते हैं। पहला पार्ट है इंजन का कंपार्टमेंट जो आगे रहता है, बीच का पार्ट है जो पैसेंजर कंपार्टमेंट जहाँ पे फोर डोर्स रहते हैं या सिटिंग अरेंजमेंट किया हुआ रहता है पैसेंजर का, और लास्ट में जो है वो लगेज स्पेस दिया रहता है। लाइक अगर उसका डायग्राम ही निकालना है या बॉडी कंस्ट्रक्ट ही करनी है हमें, तो उसका एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। तो यहाँ पे देख लीजिएगा कि कंस्ट्रक्शन में क्या है, सेडान व्हीकल कैसे रहते हैं। तो सेडान व्हीकल में तीन कंपार्टमेंट मैंने हमने पहले बुक बोला था वो, कि पहला था इंजन कंपार्टमेंट, इसको कहते हैं इंजन कंपार्टमेंट। सो एक हो गया इंजन कंपार्टमेंट। सेकंड जो है वो पैसेंजर कंपार्टमेंट, जैसे कि हमने पहले ही बोला था पैसेंजर कंपार्टमेंट। और लास्ट वन जो है उसको कहते हैं लगेज कंपार्टमेंट, ठीक है। सो लगेज कंपार्टमेंट, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, तो इसमें इंजन प्लेस किया रहता है, बीच में जो है वो पैसेंजर के लिए अरेंजमेंट किया रहता है लाइक सिटिंग अरेंजमेंट, वहाँ पे चार डोर रहते हैं वो चार डोर की अरेंजमेंट की रहती है, और लास्ट में जो है लगेज के लिए कंपार्टमेंट दिया जाता है। अब इस टाइप के आपने बहुत सारे कार्स देखे होंगे लाइक स्विफ्ट डिजायर रहेगी, वेरना रहेगी, होंडा सिटी रहेगी। सो बहुत बड़ी लिस्ट है, सो उसमें से मैंने एग्जांपल बता दिया। अभी इसको ये हैचबैक, ठीक है, ये हो गया आपका सिडान। सो इसके बाद अब हम देखेंगे हैचबैक। हैचबैक में क्या है, सो ठीक है, हैचबैक में क्या है, जो लगेज यहाँ पे दो ही कंपार्टमेंट रहेंगे, एक तो इंजन कंपार्टमेंट, सेकंड पैसेंजर कंपार्टमेंट। यहाँ पे क्या रहेगा, लगेज जो कंपार्टमेंट है यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहेगा। सो इसकी जगह क्या रहेगा आपका, डायरेक्टली ये कटिंग सेक्शन रहेगा। सो यहाँ पे ही हो गई आपकी हैचबैक व्हीकल। सो हैचबैक में क्या है, सो यहाँ पे सिर्फ इंजन और पैसेंजर कंपार्टमेंट है, इसमें भी फोर डोर रहते हैं अवेलेबल, और सिटिंग अरेंजमेंट रहती है फोर पीपल के लिए या फोर पैसेंजर के लिए यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट अवेलेबल रहती है। अगर यहाँ पे एग्जांपल देखो इसके, तो रिड्ज है जिसके हैचबैक, यहाँ पे पीछे क्या रहता है, डोर रहता है ओपनिंग के लिए, यहाँ पे क्या रहेगा, डोर रहेगा। सो ऐसे व्हीकल आपने बहुत सारे देखे होंगे, उसमें से पता तो आपको रिड्ज है, उसके बाद स्विफ्ट है, देन आपकी नैनो वगैरह वो इसमें आते हैं हैचबैक में। सो ये हो गया आपका हैचबैक। थर्ड है लिमोजिन, नेक्स्ट वन इज लिमोजिन। अब जो लिमोजिन है आपके पास, लिमोजिन का बेस्ट एग्जांपल आपने ज़्यादा से ज़्यादा मूवीज में या कहीं पे आपने ये व्हीकल देखे रहेंगे। हायर ग्रेड या हायर लेंथ से बनाया जाता है, तो जैसे आप देखो इसको, इसकी लेंथ है या दो टायर में से इसकी लेंथ है, वो लेंथ क्या होती है, मैक्सिमम लेंथ होती है, और इस लेंथ में वो क्या करते हैं, सो आपकी लिमोजिन हो गए, इसमें क्या रहते हैं मोर देन फोर, यहां पे आपके क्या रहते हैं मोर देन फोर डोर्स अवेलेबल रहेंगे। सो इसको क्या बोलते हैं, लिमोजिन बोलते हैं। इस थोड़ी सी लैविशिंग व्हीकल है या मोस्टली यूएस या अदर कंट्रीज में ज़्यादा तो यूज़ की जाती है। सो इसको क्या कहते हैं, लिमोजिन व्हीकल बोलते हैं। देन थर्ड वन इज कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल इज अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ स्पोर्ट्स कार। स्पोर्ट्स कार में क्या रहता है, कन्वर्टेबल मतलब क्या है, ऊपर का जिसका ऊपर का टब है, जो भी आप व्हीकल यूज करते हो ऊपर का टब है वो क्या हो सकता है, रिमूव हो सकता है, या ऊपर का टब अवेलेबल नहीं रहता उसको क्या बोलते हैं हम,
कन्वर्टेबल व्हीकल बोलते हैं, मतलब क्या कन्वर्ट कर सकते हैं उसको, उसमें मैक्स टू मैक्स टू डोर्स अवेलेबल रहते हैं और टू पीपल के लिए सिटिंग्स रहती है। सो लाइक फेरारी रहेगी आपकी या बेंटली न्यू मॉडल रहेगा, सो इसको क्या बोलते हैं हम, कन्वर्टेबल कार्स रहेगी, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेशन वैगन। स्टेशन वैगन मतलब क्या है, जो आपकी सिडान व्हीकल मैंने दिखाई थी वही सिडान व्हीकल, पर उसके ऊपर क्या रहेगा, लगेज के लिए कैरियर अवेलेबल रहेगा, या लगेज के लिए हम जैसे देखते हैं कोई भी स्टेशन के बाहर व्हीकल अवेलेबल रहते हैं येलो और ब्लैक कलर में, सो उसके ऊपर क्या रहता है, टब अवेलेबल रहता है फॉर लगेज कैरिंग पर्पस, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ स्टेशन वैगन कार्स, ठीक है। देन नेक्स्ट इज वैन्स। वैन्स मतलब क्या है, आपने इको, एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, इको देखी होगी या आपने टेम्पो ट्रैवलर देखा होगा, सो वो कैसे किस में आते हैं, वैन्स में आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर कैरी करने के लिए उसको यूज़ किया जाता है, उसको वैन्स बोलते हैं। देन गो फॉर द नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, स्पेशल पर्पज। अब स्पेशल पर्पज में बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ मैं, जैसे कि एम्बुलेंस है आपके पास, देन टैंकर है, जैसे मिल्क ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाते हैं। देन आपके जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स है, ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो भी व्हीकल स्पेशल पर्पज के लिए हम बना के लेते हैं, उसके आप बोलते हैं स्पेशल पर्पज व्हीकल बोलते हैं। लाइक उसमें एसी का होना जरूरी है, एसी डक्ट होना जरूरी है, वो पैक होना जरूरी है, जो अपने हिसाब से बॉडी मैन्युफैक्चर करते हैं, दैट्स कॉल्ड एज स्पेशल पर्पज व्हीकल। सो और भी ऐसे टाइप्स है, लाइक आपका टिपर रहेगा या डिपर रहेगा, वो उसका यूज क्या है, सो अर्थ मूविंग मतलब क्या है, जो भी आपका मटेरियल निकलता है, आप एक जगह खोदते हो और दूसरी जगह उसको ट्रांसपोर्ट करते हो, वो मट्टी वगैरह, सो वो कैरी करने के लिए हम क्या करते हैं, ये टिपर यूज करते हैं। देन ट्रक्स रहेंगे, ट्रक्स बॉडी रहेंगे, ओपन ट्रक रहेंगे, सो ये सब किस में आता है, स्पेशल पर्पज व्हीकल में आता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द बॉडी कंस्ट्रक्शन। सो वी कैन कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ बॉडी कंस्ट्रक्शन इज नथिंग बट द चेसिस, द मेन पॉइंट ऑफ द ऑटोमोबाइल सिस्टम, और जिसके जिसके ऊपर सब बिल्ट रहता है, या जो सबके लिए सपोर्टिंग मेंबर का वर्क करता है, दैट मीन नथिंग बट चेसिस। सो बॉडी कंस्ट्रक्शन के बाद हम देखेंगे चेसिस। हाँ, कितने 5 मिनट